कुत्ते क्यों बाज रहा है? देखो देखो क्या काल है, काम नहीं कर रहा, क्या हो गया बात, क्या हो गया ऐसा, क्या हो गया भाई? दो हजार बार म्यूरी बेरोजगारी, इतने नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ नहीं पढ़े, इसने क्या काम किए? ना भाई ना भाई, ये एक बार काम नहीं कर रहा करते, बेरोजगारी हो रही, कभी कोई सरकार काम नहीं करी। 2018 में करी थी बार म्यूरी, 2018 में करी थी, उसके बाद कोई नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली है ना भाई, पढ़ा रहा हमारा ठीक है, करवा दिए रे, पढ़ नहीं पढ़ेंगे कुछ काम नहीं आ रहा। आप करेंगे ना फिर लीक्स का समाधान, आप करेंगे इसमें छोड़ो आप, ले भाई देखो ये जो है ना, पहले तो मैं सरकार से गुजारिश करूँ होगी, ये युवा का क्या हाल हो रहा है, तो हम तो इस भाई ने भी समझावा है अग भाई, या तो ये सरकार इसको नौकरी दे, नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी 2024 में, हर एक युवा का जिस तरह पंजाब में नौकरी मिलने लग रही ना, नवे हड़ फिर नौकरी मिलेंगी, या तो या सरकार ला दे, यो हालात पूरे बेरी विधानसभा में, पूरे हरियाणा में भाई साहब, आपने हैवी लाइसेंस साहब दौड़ रहे हड़ताल में लाए थे, आप कितने लाए थे, क्या बात हुई ना हो रही भाई साहब, ज्वाइनिंग ना करवाई हड़ताल के बाद, मैं कोई ज्वाइनिंग ना हो रही, फार्म भरवाए हमने, और फिर ईपी टेस्ट देखा है थे, न्यू क्यों को सीटी का देखा रहे, डी ग्रुप का देखा रहे, सारे पेपर दिए हैं 2018 के बाद में, सरकार तक ये कहना चाह हुई बारह, सरकार तो ये कहना चाह कि बेरोजगारी नहीं दूर करो, कि अपने सरकार बदली जाओ, आम आदमी पार्टी के साथ हम हो गए, सरकार रोजगार नहीं दे रही, हम इनके सपोर्ट ये रोजगार देंगे, हमने सीधी बात यह है भाई, क्या कहना चाहोगे सरकार से भाई, भाई तो भाईयां रोजगार की जरूरत है सारे में, सरकार से यह अपील है अगर युवाओं को रोजगार दे, ताकि इन युवाओं को अपने जीवन की कुछ दशा और दिशा मिले, नहीं तो आम आदमी पार्टी 2024 में सरकार बनेगी, भाई एक साल रह रहा है, एक साल के बाद सरकार बनने जा रही है, नहीं तो फिर सबको पूरे अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी नौकरी लगाओगी, बढ़िया तैयार निराश नहीं हारते भाई, आगे जो भी चीज़ होगी आगे सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी बढ़िया करेगी, पंजाब में बढ़िया करके दिखाया है, पंजाब में 1 लाख से ऊपर बच्चा ने रोजगार मिल लिया, यहाँ भी बढ़िया होगा, सारी चीज़ें बढ़िया होगी, ये सरकार या तो मान जाए, सरकार रोजगार दे, और हम तो सरकार को जगाने की रोज कोशिश कर ही रहे हैं, देखा ये कुंभकर्णी नींद से उठे जा क्यों करें, उठ कर अपने इन्हें नौकरी दे दे, इन बालका ने क्यों पूरे हरियाणा को रे रे कर रखा है भाई, ये डॉक्यूमेंट पढ़ने में क्यों हुआ, डॉक्यूमेंट किसे काम के तो है नहीं भाई साहब, और क्या कर रहे हैं, किस काम के नहीं रहे, काम के रहेगी 2018 तो बार निकले बैठे हैं, मतलब सारे बालक नीवे हो रहे हैं, सारे नीवे हो रहे हैं, गरगला बालक बेरोजगार है, ये भी नीवे वाले हैं, ये भी ये रहे, सारे नीवे हो रहे हैं, सारा मतलब पूरा हल्का में, पूरे हल्के में बुरा हाल हो रहा है, विधायक हो आता नहीं जाता नहीं, को जाओ को बूझता नहीं, को आना जाना देखना नहीं, बालक अंडे कौन सा गाँव से हो आप, लकड़िया गाँव से, क्या नाम आपका, साहिल भाई, साहिल भाई, तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 2018 में इन्हें कक्षा पास की थी, और 2018 के बाद जो अपने ट्रांसपोर्ट विभाग में, परिवहन विभाग में इनको हड़ताल के दौरान इनको इन्होंने आवेदन किया था, और नौकरी देने की सरकार ने हड़ताल में इनको लगाना था, कच्चे कर्मचारियों के रूप में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत, तब भी नहीं लगाया, और सीटी का एग्जाम भाई दे चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि ग्रुप डी का एग्जाम भी अभी भी दे के आए हैं, लेकिन अब इतने निराश हो चुके हैं, अब अपनी मार्कशीट को फाड़ने जा रहे थे, और तो ग्रामीणों का शुक्रगुजार है कि भाई को रोक लिया और समझाया इनको, भाई साहब ऐसा काम मत करियो कदे, ना ऐसा काम करना है पड़ा, रोजगार ना मिल लगा तो भाई साहब दे देगी गवर्नमेंट, इसी बात ना हर तो बढ़िया है भाई साहब, देने पड़ेंगे ना, और बालक इतने भूखे मरेंगे, तो सरकार से आग्रह है भाई, लकड़िया गांव का है, और सबसे सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ना शेयर कर दो भाई जी, नौकरी लाग जाए इसके बाद हम तो क्या नहीं चाहते भाई, ऐसा काम ना करिए, हम फिर भी समझावा हाँ आगे, और भाई लकड़िया गांव का साहिल भाई, सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे इस भाई को नौकरी देने का, कष्ट करे सरकार, जो आज इनकी हालत है, हर हल्के में, हर जिले में, इस प्रकार के हर गाँव में इस प्रकार के बेरोजगार हो चुके हैं, तो सरकार से फिर आग्रह करना चाहें इन भाइयों को रोजगार देने, शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।